नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एम के दास सर। आईएचएम ग्वालियर में प्रिंसिपल हैं। सर की क्या जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, काफी लंबा समय आपको इस लाइन में हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमको ये बताएं आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आज आप आईएचएम ग्वालियर में प्रिंसिपल के पद पर हैं। सबसे पहले दखन न्यूज़ सुनने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आईएचएम ग्वालियर का प्रिंसिपल का चार्ज में अभी हूँ। 33 साल पहले जब हमने इस लाइन में पढ़ाई का लाइन में हमें सोचा था, तो हमें एक मौका मिला था कि वैकेंसी निकला था कि यहाँ पे फैकल्टी की ज़रूरत है। तो हमें 2 साल पढ़ाई करने का, 3 साल का डिग्री करने के बाद 2 साल इंडस्ट्री में काम करा। तो उस टाइम इंडस्ट्री ना के बराबर था, टूरिज्म इंडस्ट्री, और होटल बहुत कम पैसे देते थे। इसलिए हमने सोचा कि एक फैकल्टी का पोजीशन में क्यों ज्वाइन ना करें, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा पगार मिले। तो उसी सिलसिले में हमें आगे चलकर आ गया है सन 1989 से। सर, आप सन 1989 की बात कर रहे हैं, 33 साल आपको इस लाइन में हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन उस वक्त इस लाइन में जाने का सपने में भी नहीं सोचते थे। बिल्कुल, बात क्या है ना, जैसे आजकल भी ग्रेजुएशन करने के लिए लोग सोचते हैं हमें मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, हमें आर्किटेक्चर में जाना है, ऐसे ही हम सोचा करते थे। मगर किसी कारण बस हमें ये सब कंपटीशन में जैसे नहीं मिला, तो फिर हमने आखिरी पड़ाव चुन लिया कि चलिए होटल मैनेजमेंट क्यों ना करें। होटल मैनेजमेंट उस टाइम भी एक नया क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे हमारा गाँव में कोई किसी ने करा था, तो हमें उसको पूछा, अरे यार होटल मैनेजमेंट होता क्या है, तो उसने बताया यहाँ पे खाना बनाना सिखाते हैं, कैसे परोसा जाता है सिखाते हैं, हाउसकीपिंग कैसे होता है सिखाया जाता है, फ्रंट ऑफिस कैसे हो जाता है सिखाया जाता है। तो हमने भी सोचा, अरे ये तो एक नया कंसेप्ट है, इंजीनियरिंग भले ही ना हो, मेडिकल भले ही ना हो, मगर हम मैनेजमेंट लाइन में जाएंगे, वो भी दैट टू होटल मैनेजमेंट। होटल मतलब इट इज़ ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो हमने सोचा कि चलिए होटल मैनेजमेंट फॉर्म डालिए। तो फॉर्म डाल के एंट्रेंस दिया, रिटर्न दिया, फिर हो गया, फिर इंटरव्यू में भी हो गया, तो एक एडमिशन के लिए मौका लिया। तो हमें देखा कि होटल मैनेजमेंट वास्तविक सीखने के लिए इतने नया चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से कोई अगर नहीं जानता है, दूसरों से पूछ के, सीख के, देख के, विजिट करके सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि करियर बन सके, यही हमारा उम्मीद है। सर, लेकिन उस वक्त जब इस प्रोफेशन को लोग इतना जानते भी नहीं थे और समझते भी नहीं थे, उस वक्त मजाक के टोन में भी लोग लेते थे, क्या करोगे होटल मैनेजमेंट, सफाई करना सीखोगे या खाना बनाना सीखना है, ये तो घर में भी सीख सकते हो, इस तरीके के टोन कभी मिले हैं? यस, सोचने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, बोले कि यार बाबरची वाला कोर्स में आप जा रहे हो, अरे यार आपने बेहरा वाला कोर्स में जा रहे हो, क्योंकि ये बाबरची बेहरा तक सीमित नहीं है। क्योंकि जो सोचने वाला का सीमित वहीं तक है, वो सोचता है कि ये तो ज्यादा से ज्यादा बाबरची बनेगा, मगर 5 स्टार होटल में बाबरची बनेगा, या ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली एक बनेगा, एक मसालची बनेगा या बेहरा बनेगा। मगर वास्तव में अगर आप देखें, ये जो बाबरची का जो छोटा सा शब्द है, ये एक्चुअली बनता है कुक्स, जिसको कहते हैं शेफ। ये जो शेफ का जो एक लग जाता है नाम में, लग जाती है नाम के आगे लग जाता है शेफ, मिस्टर एक्स, बस उसका कुछ महत्व अलग ही है। आपने कितने सेलिब्रिटी शेफ को आपने देखा होगा, कितने सेलिब्रिटी शेफ का आपने देखा होगा टीवी में, जिसका नाम सुनते ही एक अपने आप से एक आकर्षण बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जितने सब टीचर है वहाँ पे जो किचन में पढ़ाते हैं, उनका नाम शेफ से ही शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ही जो आप कहते हैं कि बेहरा बनेगा, एक्चुअली वो बनते हैं F&B मैनेजर। एक्चुअली हमें लाइटली बोलते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे ही काम करता होगा, ऐसा नहीं है। जो साफ सुथरा करते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार सफाई वाला काम करता है, मगर एक्चुअली वो नहीं है, वो होता है, बनता है अकोमोडेशन मैनेजर। तो ये जो डेजिग्नेशन हमें बाद में मालूम चलता है, तभी हमें मालूम चलता है कि होटल मैनेजमेंट का भले ही शुरुआत यही सो काम से होते हैं, मगर बाद में ये मैनेजर का पोस्ट में आते हैं, और जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, होटल एग्जीक्यूटिव्स। तो इसी सिलसिले में हमें आगे अलग, हम तो पढ़ाई के लाइन में आ गए, इसलिए हमने शुरू से असिस्टेंट लेक्चरर थे, फिर लेक्चरर बने, फिर सीनियर लेक्चरर बने, फिर HOD बने, फिर अभी प्रिंसिपल का भार संभाल रहे हैं कुछ दिनों से। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो कैरियर ग्रोथ ऐसे ही है, मगर होटल लाइन में कैरियर ग्रोथ बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारा जो कि 10 साल काम करके इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन चुके हैं, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर भी बन चुके हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी बन चुके हैं। तो इससे बड़ा और उपलब्धि मेरे ख्याल से और कोई फील्ड में नहीं मिलेगा। सर, होटल मैनेजमेंट को लेकर एक मिथ्या सी है कि अगर हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो हम सिर्फ शेफ बनेंगे या फ्रंट लाइन ऑफिस जो है होटल्स का ही संभालेंगे, बट ऐसा नहीं है। कई सारी लाइन है, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां आपको पोस्ट मिल सकती है। आप टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं, आप होटल लाइन में भी जा सकते हैं,
अदर प्लेसेस में भी जा सकते हैं, वो कौन कौन सी लाइन होती है सर, वो थोड़ा क्लियर कीजिए। बहुत ही सवाल अच्छा पूछा आपने। एक्चुअली पहले एक सोचे थे होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल में ही नौकरी मिलेगा, वास्तव में अब ये होटल लाइन को जोड़ दिया गया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इसलिए कोर्स का नाम अभी क्या है, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हॉस्पिटैलिटी का जो आ गया है कॉन्सेप्ट आ गया है, इसमें से बच्चे हमारा रिटेल में भी जा सकते हैं, फास्ट फूड सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्रूज लाइन में भी जा सकते हैं, एयरलाइंस में भी जा सकते हैं, IRCTC और इंडियन रेलवेज में भी जा सकते हैं, और वास्तव में हमारा स्टूडेंट्स काम करते हैं अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब हमारे पास बहुत सबूत भी है। लड़के इतने वास्ट एरिया में जाते हैं, जहाँ पे गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे जाती है, जहाँ पे सर्किट हाउस होते हैं वहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का ज़रूरत होती है। हमारा स्टूडेंट्स काफ़ी रिलायंस में है बताइए, क्योंकि वहाँ पे भी एक जरूरी होती है हॉस्पिटैलिटी, वहाँ पे भी है। हमारा स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में भी है, दैट इज़ ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ठीक है, हमारा स्टूडेंट्स आपको मैं और एक बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो विदेशी कार है, रोल्स रॉयस है, जो विदेशी कार है उनका शोरूम में भी हमारा बच्चों को रखा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इनसे अलावा कोई जानता नहीं है ढंग से। ठीक है ना, ग्राउंड ड्यूटी जो एयरपोर्ट में है उसमें भी हमारा स्टूडेंट्स को बहुत नौकरी मिलती है। तो ऐसे करके आजकल का जो नौकरियाँ होटल मैनेजमेंट करने के बाद खाली होटल तक सीमित नहीं है, लड़के क्रूज लाइन में चले जाते हैं, क्रूज लाइन में तो अनाप शनाप पैसा कमाते हैं लोग। ठीक है, और अपना सबसे बढ़िया बात है कि अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, वो खुद ही एक उद्यमी बन सकता है और दूसरों को नौकरी दे सकता है। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ढेरों प्लेसमेंट्स हैं। हाँ, आपने एक छोटी सी रेस्टोरेंट करी है और देखिए आपके पास कितना आपका बिजनेस बढ़ेगा, दूसरी रेस्टोरेंट करिए, तीसरी रेस्टोरेंट करिए, यही तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तीन साल की डिग्री हम आपके IHM से हम बच्चों को जो मिलती है, उसके बाद स्पेशलिटी अगर किसी चीज की करनी हो तो उसके लिए आगे बच्चों को क्या करना है? अभी आजकल ये मुहैया करा जाता है, सपोज किसी का किचन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से खुली है दो जगह में, नोएडा में और त्रिची में, तिरुपति में। तो वहाँ पे दो साल का मास्टर डिग्री दिया जाता है इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट में, तो ये किचन लाइन में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया मौका है। और जिसको जाना है फ्रंट ऑफिस लाइन में या अकोमोडेशन लाइन में या सर्विस लाइन में जाना है, एक इंस्टीट्यूट होता है अमेरिका में, कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ऐसे, और एक है कॉर्डन ब्लॉ, लंदन में है कॉर्डन ब्लॉ। तो ये सब संस्था में अगर कोई अगर कोशिश करता है एडमिशन पाने के लिए, तो वहाँ पे भी जाके एक बढ़िया अच्छा कैरियर बना सकते हैं और फॉरेन डिग्री लेके तुरंत आके अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं इंडिया में, और अपना बिजनेस में पूर्ण सहयोग करके बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी चीज़ों में हम देख चुके हैं, हमारा पुराना स्टूडेंट सब जो है पास करके जा चुके हैं, तो उन्होंने एयरलाइंस में भी काम कर रहे हैं, रेलवेज में भी काम कर रहे हैं, गेस्ट हाउसेस में भी काफ़ी जगह में है, और होटल में, होटल रेस्टोरेंट्स अपना अपना बिजनेस भी चालू करके अभी। सर, जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि लड़कों को ये टॉन्ट मिलता था कि तुम खाना बनाना सीखोगे, कि सफाई करना सीखोगे, वैसे लड़कियों के लिए अभी तक मैंने कुछ पेरेंट्स मुझे इस तरीके के मिले जिन्होंने कहा लड़कियों के लिए लाइन सेफ नहीं है, ऐसा क्यों नहीं? ये एक्चुअली अपना मन सोच है जैसे कि हमारा लड़की वहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगी, वहाँ पे अकेली हो जाएगी, सब लोग यहाँ पे टूटेंगे जो भी है, तो ये कल्चर अभी नहीं है, क्योंकि आजकल का जो होटल का जो किचन है वो इतना सिक्योर्ड हो गया है, कैमरा लगा रहता है, मॉनिटरिंग होता रहता है, और जो HR डिपार्टमेंट है वो इतना सशक्त है, द लड़कियों के बारे में थोड़ी सी अगर कोई शिकायत होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है 24 घंटे का अंदर। इसलिए लड़कियों को कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमें वहाँ पे अकेले हो जाएंगे, या हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमें किसी बात नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कोई गलत काम करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कोई सोचने का नहीं, आवश्यक नहीं है, क्योंकि आजकल ये लड़कियों का फील्ड में हर जगह में बहुत जागरूक आ चुका है, और लड़कियों को भी मालूम है, थोड़ी कुछ होता था एक हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं उसमें से शिकायत तुरंत हो जाता है। और लड़कियों का हमें जो कहेंगे कि वो किचन तक सीमित है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ लड़कियां हैं जिनको किचन में पसंद है, वो हमेशा चाहते हैं किचन में रह के कुछ आगे करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। कुछ लड़के चाहते हैं ठीक है मैं अपना हबी के हिसाब से काम सीखता हूँ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़कियां किचन में काम जरूर सीखते हैं मगर सीधा सेटअप कराते हैं, किचन सेटअप कराते हैं और मैनेज भी कराते हैं, जिसको कहते हैं क्लाउड किचन, वो अंदर किचन में उनको जाना ही नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम संभालेंगे मगर संभालेंगे और कुछ, मगर कॉन्सेप्ट तो लेके आना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्लाउड किचन। कोई इसके लिए कोई किचन का लिए आपको पूरा कोई बड़े होटल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी का कमरा है तो वहाँ पे क्लाउड किचन हो सकता है, फूड ऑनलाइन में जा सकता है, इसलिए आपको कोई नहीं देखेगा, आपको खाली खाना आएगा और ऑनलाइन में खाना जाएगा।
ये चीज होता है क्लाउड किचन का, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है आज का। आप ग्वालियर में शुरुआत आपने ग्वालियर से की और आज तक अभी तक आप ग्वालियर में हैं, कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा या कोई स्टूडेंट आपका बहुत फेवरेट, बहुत दिल के करीब रहा हो जो आज बहुत ऊंचाइयां छू चुका हो? या शुरू शुरू में तो मेरा कभी पढ़ाई का काम ही था, तो हमने जरूर स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाते थे, जबरदस्ती सिखाते थे, हाथ पकड़ के सिखाते थे, डांट के सिखाते थे, तो वही बच्चे अभी बहुत सक्सेस हैं। तो हमारा कुछ स्टूडेंट्स अभी मिशलिन स्टार मिल गया है लंदन में, तो मिशलिन स्टार वाला तो पूरा दुनिया में एक अनोखी पदवी मिलती है मिशलिन स्टार, तो ऐसे करके है ग्वालियर के ही स्टूडेंट हैं। कुछ शेफ्स तो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन चुके हैं, कॉरपोरेट शेफ भी बन चुके हैं, और कुछ शेफ तो अपना अपना बिजनेस भी चालू कर चुके हैं, और कुछ शेफ्स तो अपना शेफ का बिजनेस थोड़ा सा साइड में रख के होटल का कंसल्टेंसी भी चालू कर दिया है, किचन डिजाइनिंग का काम भी चालू कर रहे हैं। तो उनको कहीं किचन में काम नहीं करना पड़ेगा, खाली कंप्यूटर में लैपटॉप में बैठ के कंप्यूटर का डिजाइन करो, किचन का डिजाइनिंग करे और पैसा दे, पैसा ले। तो ये जो काम होती है ये सॉफ्ट तरीके से काम लेते हैं और काम करवाते हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो ये बहुत ही बढ़िया कल्चर है इनका। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में काम करिएगा, लैपटॉप में काम करिएगा, किचन डिजाइन करिएगा, रेस्टोरेंट डिजाइन करिएगा, और पार्टी से पैसा लेना है। इतनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत है बढ़िया काम है। दास सर से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, क्या है होटल मैनेजमेंट ये हमको दास सर आगे भी बताएंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दास सर से बात कर रहे थे कि क्या है होटल मैनेजमेंट, क्या लाइनें हैं, क्या प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। दास सर से अब हम बात करेंगे। दास सर, अभी कोरोना महामारी है, होटल मैनेजमेंट में बहुत ध्यान में रख के हाइजीन को काम किया जाता है, अब तो और ज्यादा इस तरफ आपको काम करना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा, क्लासेस नहीं लग पा रही, ऑनलाइन क्लासेस पे सब कुछ चल रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है और आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? अभी तो पैंडमिक के सिचुएशन में रख के क्लास शुरू नहीं हुआ है, वास्तव में इंडिया में कोई IHM में क्लास शुरू नहीं हुआ है, मगर धीरे धीरे शुरू होगा क्योंकि ये टेम्पररी है। जब भी होगा हमें पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक्चुअली एक बड़े 5-स्टार होटल में जो हाइजीन का प्रैक्टिस था वो तो अभी भी बरकरार है, मगर उसका अलावा भी कुछ करना पड़ेगा, जैसे मास्क पहनना जरूरी है, जैसे बार बार हाथ धोना जरूरी है, जैसे थोड़ा सा दूरता से काम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, तो इसको पालन करना है। एक्चुअली SOP जो है उसका अभी शॉर्ट में अगर मैं कहूँगा कि SMS में फास्ट S होता है सोशल डिस्टेंसिंग, M होता है मास्किंग, S होता है सैनिटाइजिंग। ये जो SMS होता है, हमें खाली हमें मोबाइल में सुना था SMS क्या होता है, मगर हमने कोविड अगर दूसरी SMS सिखा दिया, ये SMS को हमें हमेशा प्लान करेंगे। SMS की फुल फॉर्म चेंज हो गई। हाँ, वो जो मोबाइल का SMS वो तो है ही, वो तो रहेगा ही, मगर ये जो SMS अभी आया है, ये SMS को मास्क एंड सैनिटाइजिंग, यस, ये SMS को हमें आगे ध्यान रखेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी IHM में है आएंगे अभी ऑफलाइन क्लास में, हमें उनको जरूर बोलेंगे मास्क पहनिए, नहीं तो मत अंदर आइए, ठीक है। दूसरी चीज कहेंगे कि आपको हर एक घंटे के अंदर हाथ धोना अनिवार्य है, सबका जेब में सैनिटाइजिंग बॉटल होगा या सैनिटाइजिंग सैशे होना चाहिए। तीसरी चीज है कि दूरता में काम करेंगे, ऐसे नहीं कि एक टेबल में 5 लोग काम कर लिया और 5 है कि पीछे आपको टच करके देख रहे हैं, कुछ नहीं है, आपको अलग अलग होके खड़ा होके रहना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, दूर से देखना पड़ेगा, ये सब हम फॉलो करेंगे। प्लस हमारा कैंपस सैनिटाइजेशन, प्लस जब डेली सैनिटाइजेशन होता है, जो टच पॉइंट ज़्यादा होती है, दरवाजा खिड़की जो भी होता है, टेबल चेयर जो भी है, किचन का जो गैजेट्स होती है, ये सब रेगुलर यूज होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको टच करेंगे, ये सब सैनिटाइजेशन होगा। तो इसका द्वारा होगा क्या है, तो जो एक मन में भय रह जाता रहे यार मेरे को छूने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब दूर हो जाएगा।
काफी लोग तो हमें ये भी कहते हैं जब क्लास में बैठते हैं तो ग्लोब पहन के ही बैठिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्लोब पहनने से होता क्या है, हमें बार बार कभी टच नहीं करेंगे, ना कान में, ना बाल में, ना गाल में टच करेंगे, क्योंकि अपने आप से रुक जाएंगे वो। जब तक हम ये हाथ में नहीं पहनते हैं तो जरूर हमारा हाथ कभी चला जाता है टच करने के लिए, तो ये टचिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स ये बंद हो जाएगा। तो ग्लोव्स पहनने के लिए भी हम कहेंगे, हमारा जो क्लास का भी स्ट्रक्चर होगा, पहले 50-60 बच्चे बैठते थे, अभी कम करवा देंगे, दूरता रखेंगे, एक चेयर छोड़ के एक में बैठेंगे, सारे डिपार्टमेंट में ऐसे ही करेंगे। ऑडिटोरियम पे अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसमें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? ऑनलाइन क्लास में एक्चुअली बच्चे अपना अपना घर में है, ना हमें उनको ग्रूमिंग देख पाते हैं, ना हमें उनको उनका जो फीडबैक है तुरंत कुछ हम ले पाते हैं, बाद में आता है बात अलग है, जो समझ में नहीं आता है बच्चों को वो तुरंत टीचर से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है। वास्तव में जब क्लास होगा, क्लास के अंदर 25 रहेंगे तो आराम से बात हो पाएगा, कोई भी हाथ उठाएगा, खड़े हो जाएगा, पूछेंगे तो टीचर जरूर बताएंगे। कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ाई करेंगे, और होटल मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई जिसका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो रही है। अब एग्जाम्स भी बच्चों के सर पर है, तो कैसे मैनेज होगा कि बच्चे एग्जाम्स दे पाए? एक्चुअली जो हमारा होटल मैनेजमेंट कोर्स है ये स्किल बेस्ड होती है, तो स्किल कभी दिखा के दूर से कैमरा में, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में संभव नहीं होता है, मगर हम मानते हैं कुछ हद तक है। जैसे हमें टीवी में कोई अगर आइटम बनाता है, हम देख लिया तो हम भी कोशिश करते हैं अरे हमें भी ऐसे कर सकते हैं, तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स अभी क्लास करते हैं ऑनलाइन में, टीचर का जो प्रैक्टिकल होती है वो भी वीडियो रिकॉर्डेड हम दिखाते हैं, यूट्यूब में हमें डाले हैं तो उसको भी फॉलो करते हैं, और जो क्लास में जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनका भी PPT जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो भी उपलब्ध बच्चों को कराया जाता है। तो थोड़ी तो शिक्षा मिलती है, मगर मैं चाहता हूँ जब हाथ में चाकू लेके काटना और दूर से कोई काट रहा है आप देख के कोशिश करना में थोड़ा सा अंतर तो होगा ही है, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा बेसब्री से, ताकि जैसे ऑफलाइन शुरू हो जाएगा आपको भी ऐसे ही चाकू पकड़ के ही काम करना पड़ेगा, आप भी आपका हाथ काटेंगे एक दो बार तभी तो मालूम चलेगा हाथ काटने का क्या मजा होती है। सर का दास सर का 33 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं मानती हूँ कि ग्वालियर IHM के बच्चों को इस एक्सपीरियंस का काफी कुछ लाभ मिलता है, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे और विदेशों में भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया में, लेकिन ग्वालियर IHM में ऐसा क्या खास है कि बच्चों को वहाँ आना चाहिए? देखिए रैंकिंग के हिसाब से बच्चे सबसे पहले हमारा वहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कैंपस है या हम लोगों का जो टीचर ग्रुप है वो फुली डेडिकेटेड है, स्टाफ्स आर स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, स्टूडेंट्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा जरूर स्टाफ उसको चाहेंगे इसका समाधान करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई के मामले में हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमेशा पढ़ाई को ध्यान ही देते हैं, ताकि हमारा कभी बच्चे क्लास मिस ना होता है, बच्चों को अटेंडेंस भी ध्यान दिया जाता है, बच्चों को वार्निंग दिया जाता है आपको रोज आना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ क्या है, जो बच्चों का जो प्लेसमेंट होती है उसके और ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ट्रेनिंग, हमारा प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इतने सशक्त है, तो हमें बच्चे जहाँ कहेगा हमें वहीं पर पोस्टिंग करने के लिए या ट्रेनिंग कराने के लिए कोशिश करते हैं, ये हमारा खासियत है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मालूम हो जाता है, उनका सीनियर तो बताते हैं अरे यार यहाँ पे टीचर हमारा पीछे पढ़ते हैं, ऐसे हो सकता है कहीं विश्वविद्यालय में कई कॉलेजों में टीचर कौन है स्टूडेंट्स कौन है किसी को मालूम नहीं रहता है, मगर हम तो पूरा बारीकी से जानना चाहेंगे ये टीचर स्टूडेंट कहाँ का है इसका बारे में हम जानना चाहेंगे, उसका परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, पेरेंट्स टीचर्स मीट हम करते हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस हम बताएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा हम पेरेंट्स को मेल करके बताते हैं, SMS करके बताते हैं, फ़ोन में कहते हैं कि आपका लड़का ऐसे करा या लड़की ऐसे करा, तो ये जो टच है ना ये टच ही हमें आगे बढ़ाता है और कुछ नहीं है। तो ये गारंटी है कि ये IHM की जो पढ़ाई है 3 साल की पढ़ाई करने के बाद बच्चा कमाने ज़रूर लगेगा, ये तो हमें उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर जो पढ़ाई करके कमाने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो इसका मतलब वो अपना बिजनेस चालू करेगा, तो शुरू शुरू में वो सीखेगा, उसी से ही उसको ज्ञान लेगा, उसी से ही आगे बढ़ेगा, तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा लास्ट में, वही होटलियर कहा जाता है बाद में, या एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। सर ग्वालियर IHM की स्ट्रेंथ क्या है? अभी हमारा फर्स्ट ईयर में 300 स्ट्रेंथ है। फैकल्टी उस पर? फैकल्टी हमारा है 25 फैकल्टी। क्या लगता है सर कि जब बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं या नए बच्चे जो आते हैं, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, बच्चों ने कभी चाय भी नहीं बनाई होती, तो उन बच्चों को कैसे फैकल्टी मैनेज करती है कि वो बड़े शेफ बन जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने घर का किचन देखा नहीं होगा किचन में, क्योंकि जो भी है महिलाएं खाना बना लेते हैं या जो भी नौकर नौकरानी घर में खाना बना लेते हैं,
इनको वास्तव में मालूम नहीं होता है व्हाट इज ए सॉसपैन, व्हाट इज ए फ्राइंग पैन, मालूम बिल्कुल मालूम नहीं होगा। ये सब चीज जो प्रैक्टिकल वहां पे करना पड़ेगा सिलेबस के अंतर्गत, तो उनको सीखना पड़ेगा फ्राइंग पैन का 10 वैरायटी और सॉसपैन का 5 वैरायटी। घर में एक पैन में उसी में दूध बॉइल कर लिया, उसी में चाय बना ली वो बच्चों ने। और आजकल का जो किचन है ना, इतने गैजेट ओरिएंटेड हो गए हैं, सबका घर में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हमारा किचन का जो स्ट्रक्चर अगर कोई देखे स्टूडेंट, तो उसको वास्तव में काम करना लगेगा कि हाँ ये गैजेट में ऐसे काम होती है, ये गैजेट में ऐसे काम होता है, इस मशीन में ऐसे होती है, ठीक है ना, जो कि घर में अब अक्सर नहीं होती है, सबका घर में नहीं हो सकता, ठीक है ना। घर में क्या है, चूल्हा होती है बस, उसमें सब कुछ बना, मगर हम तो चूल्हा टाइप का, हमारा 10 टाइप का चूल्हा है, कोई बिजली से चलती है, कोई गैस से चलती है, कोई सोलर से चलती है, कोई ऐसे तंदूर भी है, लकड़ी वाला तंदूर भी है, वो कोयला वाला लकड़ी भी है, तंदूर भी है, तो अलग अलग काम है, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग चीज़ है, तो इसलिए सीखने के लिए भी। और चीज़ है कि जो खाना बनाता है ना, उसका भी अगर खाने में थोड़ा सा अगर उसका शौकीन है, बस वो लड़का पूरा सक्सेस हो जाएगा आगे, क्योंकि वो जरूर देखेगा क्या डालने से टेस्ट बढ़ता है, क्या ना डालने से टेस्ट बिगड़ता है। ये आपका एक सिक्स सेंस भी जागृत रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सारे नमक तो डालते हैं, चाक भी लेते हैं, कम होते ज्यादा, ऐसे शेफ है वो खाली सुंघ के बोल देंगे कि इसमें से नमक सही है या इसमें से नमक कम है, दैट इज सेंस ओनली, बाय स्मेल, वेदर सॉल्ट इज प्रॉपर और नॉट, वेदर स्पाइसेस आर प्रॉपर और नॉट, ओनली बाय स्मेल दे कैन से इट। आप देखिए गांव में जो शादी ब्याह में काम होते, वो कभी टेस्ट नहीं करते थे, नहीं करते। आजकल तो किचन में खड़े होके बस टेस्ट कर लेते हैं और हाथ धो लेते हैं, पहले तो किचन में खाना बनता है, उसके बाद भोग लगता है, उसके बाद टेबल पे आता है। बस आप देखिए, आप सोचिए, उसी जमाने में या गांव का जो पुराने जमाने में जो खाना बनता था 500 लोगों का, 1000 लोगों का, वो पूरा नमक, आधा बाल्टी नमक डाल दिया, कभी कुछ उनका बिगड़ता नहीं था, इसका मतलब उनका एक दिमाग है। तो हमें जो किचन में खाना बनाते हैं, ऑर्डर में काम करते हैं 10-15-50 आदमी का, तो जो किचन में जो शेफ होता है ना, उनको भी एक आ गया है, उनका अंदर एक सेंस डेवलप हो गया है अपना एक्सपीरियंस से, इतनी नमक डालने से इतना होगा। अगर आप किताब पढ़ के देखेंगे इसमें 2 चम्मच डालिए नमक, वो बेकार ही है। सर एक चीज और थी, लोगों में अवेयरनेस तो आई है इस फील्ड की तरफ, बच्चों के एडमिशन के रुझान जो है बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि क्या कमी है जिसकी वजह जो पूरी होनी चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, या पेरेंट्स को, या लोगों को समझना चाहिए? देखिए हमारा समाज में एक माइंडसेट है पेरेंट्स का, बच्चा 90% रखा, इसको इंजीनियर बना दो, इसको IIT भेज दो, इनको मेडिकल में डाल दो, ये एक पेरेंट्स का माइंडसेट। कोई पेरेंट्स नहीं कहेगा मेरा बच्चे को होटल में डाल दो। 90% आया, ओ तुमने होटल मैनेजमेंट क्यों लिया यार, सारा पढ़ाई बर्बाद कर दिया। आजकल क्या है, कंप्यूटर का जमाना आ गया, तुम IT एक्सपर्ट बन जाओ, तुम्हारा घर में इतने सारे गैजेट्स है, तुम बहुत चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, डेस्कटॉप चलाते हो, तुम IIT में IT सेक्टर में जाना, ठीक है ना। मगर एक्चुअली उसका अंदर जो कला एक अपने आप से पनपता है, मैं अच्छा खाना बनाऊंगा, अच्छा खाना सिखाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा, ये जो है ना वो डाउन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर और अपना जो सोसाइटी का प्रेशर, अरे यार तुम इतना 90% रखा और तुम फिर जाके होटल मैनेजमेंट में घुस गया, क्यों, तेरे को IIT मिलना चाहिए था, तेरे को फलाना मिलना चाहिए था। तो ये जो दबदबा रहता है, कुछ लोग ये दबदबे में भाग के आ जाते हैं, अपना जो एक अंतर्मन रहता है ना वो डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो शेफ है वो जरूर सामने आना चाहिए, भले ही उनका कोई मौका, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, IITN जरूर है, मगर वो आलू छोले और दाल बाटी चूरमा और लिट्टी चोखा वो ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं IIT पास करके। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। और लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी बिजनेस बंद हुआ हो, मगर ऑनलाइन में यूट्यूब पे मिलियंस व्यूअरशिप जो है वो ऐसे ही लिट्टी चोखा और बैगन का भरता बना के ले लिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए जो राजमा चावल है सबका घर में बनता है, बिल्कुल, मगर राजमा चावल अगर हमें कोई ऑर्डिनरी आदमी बनाता है, अरे यार ठीक है ये तो होटल वाला है तो बना ही देगा। आप देखिए अभी IIM IIT करके ऑनलाइन में उनका ब्रांच खोल के एक बल्क कुकिंग एक जगह में करके पैकिंग, बढ़िया से पैकिंग करके, मैकेनाइज पैकिंग करके वो पूरा विदेश में सप्लाई करते हैं, और उसको वॉलमार्ट भी खरीदता है। बिल्कुल, बड़े बड़े मॉल्स में आपको वो पैकिंग मिल रही, वही मिलती है। अभी मैं हल्दीराम का एक पैकेट देखा था, उपमा 50 ग्राम सूजी होगा और 80 रुपीज है, ठीक है, उसको मशीन से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैकेजिंग है ये तो होटल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ना, कैसे खाना बनाने का। उपमा में काजू मिला, ऐसे उपमा में काजू कभी डलता ही नहीं है, उपमा में काजू डालते हैं, पैसा बढ़ा के लेते हैं, ऑनलाइन में सेल होता है,
ब्रांडेड हो गया है। वैसे ही समोसे में काजू डाल दीजिए, रेट बढ़ जाएगा। बस सही है सर, इतना वैरायटी आजकल आ गया है। गवर्नमेंट लाइन में होटल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ बच्चों के लिए प्लेसमेंट रहती है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ? ये जो पर्यटन डिपार्टमेंट है ये भले ही सरकार का है मगर प्राइवेट का भी योगदान बहुत है। अगर आप इंडिया में देखेंगे सरकारी होटल बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में होटल बहुत ज्यादा है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर का नाम है वो पूरा नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड उनका नंबर बहुत आगे है। सरकारी होटल तो छोड़ ही दीजिएगा। सरकारी होटल कहाँ पर होता है? जहाँ पर कभी टूरिस्ट कभी गए ही नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास पैसा वहाँ पर डालने के लिए रिस्क लगता है। तो सरकार क्या करता है, थोड़ा सा एक प्रयास लगाता है, चलो वहाँ पर एक होटल खोलिएगा, शुरुआत करता है सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसको फॉलो करते हैं प्राइवेट। पहला होटल आएगा सपोज कोई एक इंटीरियर एरिया में, पहला होटल खुलेगा सरकार, क्योंकि वहां पे किसी को मालूम नहीं, किसी को कोई नोबडी डेयर्स टू गो इनटू। फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, यार इसका तो बढ़िया चलता है, चलो हमारे भी लैंड है, या लैंड खरीद लो और जंगल सफाई करके या लीज में लेके एक होटल डालो, एक ढाबा डालो, एक रेस्टोरेंट डाला, यही तो कंसेप्ट होती है। तो इसीलिए सरकार को फॉलो करना ये अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, फिर भी प्राइवेट सेक्टर काफी जगह में अगर आगे आते हैं, काफी जगह में है वो आगे आके भी काम करते हैं, तो इसीलिए भी वो सराहनीय है। और जो नौकरी के आप सवाल कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में कहाँ का उपलब्धि है, सरकारी की नौकरी में तो है, मगर हम सरकार का नौकरी के ऊपर क्यों जाना चाहिए जब हम प्राइवेट सेक्टर में अनाप शनाप पैसा भी मिलता है और भरमार नौकरी मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए सरकारी नौकरी की हमने सेकेंड रखना चाहिए, प्राइवेट नौकरी में अपना बलबूते पर, अपना स्किल पर, एक्सपीरियंस पर हमें सबसे आगे जाना चाहिए, ये होता है मंत्र एक्चुअली, ठीक है ना सर। चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ग्वालियर आईएचएम के स्टूडेंट्स, बल्कि पूरी इंडिया के जो आईएचएम के स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे फिलहाल कोरोना? मैं तो कहूंगा कि आप भले ही अभी कोरोना में अपना घर पे हो मगर आपने कोरोना का जो SOP है उसको जरूर फॉलो करिएगा। जब आप ऑफलाइन में आएंगे और आपका मेहनत जब करेंगे होटल मैनेजमेंट पढ़ते हुए, ये कभी आपका जिंदगी में बेकार नहीं जाएगा। जिसको हायर स्टडी करना है वो भी मौका है, जिसको नौकरी करना है वो भी मौका है, जिसको अपना दुकान और बिजनेस करना वो भी मौका है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया सुनहरा मौका और कोई फील्ड में इतना होगा ही नहीं है। इसलिए सारे जो स्टूडेंट्स या आने वाला पीढ़ी जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे, मैं तो यही कहूँगा ये होटल मैनेजमेंट फील्ड को अगर आपने कभी चुना है ये कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि एक स्थिति आएगा कि आपने ऑल इन ऑल बन सकते हैं, आप खुद ही हाउसकीपर बन सकते हैं, आप खुद ही होटल मैनेजर बन सकते हैं, आप खुद ही कुक बन सकते हैं, आप खुद ही एक बेकर भी हो सकते हैं, आप खुद ही एक ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हैं, एक इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं। बताइए कौन सी पढ़ाई दुनिया में है कि जो आपको ऑल इन ऑल का एक एक्सपीरियंस देगा? कोई नहीं देगा। मैं वही सोच रही थी कि एक डॉक्टर अगर आप चाहें ऑनलाइन एक मुर्दे का चीरफाड़ करना सिखा दें तो वो पॉसिबल नहीं है, वैसे ही IHM के स्टूडेंट को आप ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आपको करके कुछ समय तो व्यतीत करना पड़ेगा। भले ही ये मुसीबत है मगर इसको भी हमें चैलेंज के हिसाब से लेते हैं, और हमें भी ऐसे ही कहते हैं कि जब बच्चे ऑफलाइन में आ जाएंगे उसको अगर थोड़ा सा पिकअप करने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में उन्होंने देखा है, दिमाग में उनका बैठ गया है कि चाकू कैसे होता है और प्याज को कैसे पकड़ते हैं, कौन सी हाथ में पकड़ते हैं, कौन सी हाथ में चाकू पकड़ते हैं, कैसे छीलते हैं। तो ये होता है एक्चुअली, एक बार दिमाग में बैठ गया और जो वास्तव फील्ड में जाएंगे ना उसको हमें दे देंगे तो जरूर कोशिश करेंगे कि उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारे उसको गाइडेंस करने के लिए हमारे टीचर निरंतर प्रयास करेंगे। इसीलिए सीखने के लिए लाइफ इज लिमिटेड एक्चुअली, सीखने के लिए ऐसे नहीं है कि मैं 2 दिन में सीख गया और कोई 7 दिन में सीख गया, लाइफ इज देयर फॉर लर्निंग। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई पिछड़ा नहीं हो जाएंगे, अगर कोविड हमें थोड़ा सा पिछड़ा कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, बट विल नॉट बी अवर द माई स्टूडेंट्स विल नॉट बी बैकवर्ड, दे विल बी कमिंग टू द फ्रंट लाइन, ये मेरा भरोसा है और हमें उम्मीद भी करते हैं। तो यही है। ये है ग्वालियर IHM के प्रिंसिपल मिस्टर MK दास, और इनको देखकर आप समझ ही गए होंगे ये खड़ूस प्रिंसिपल मिस तो नहीं है, बच्चे इनको देखने और सुनने के बाद इतना ज़रूर जान गए होंगे कि वो एक ऐसे शख्सियत के साथ सीखने और काम करने वाले हैं जो वाकई में उनको एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपसे यूं ही मुलाकात करते रहेंगे, आप बने रहिए दखल न्यूज़ पर। सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।